देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के ननका साहिब गुरुद्वारे पर हुए हमले को लेकर आज खटीमा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में शिव सैनिकों ने एक बैठक की। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में होने वाली इस आवश्यक बैठक जिसमें पाकिस्तान में ननका साहिब गुरुद्वारे पर हुए हमले को लेकर चर्चा की गई। वहीं उपस्थित जिला प्रचार सचिव विक्रम बिष्ट ने बताया कि पाकिस्तान में जो गुरुद्वारे पर हमला हुआ था उसको लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सभी शिव सैनिकों ने इस हमले के विरोध में अपना विचार प्रकट किया। उसके बाद सभी शिव सैनिक इकट्ठे होकर खटीमा SDM कोर्ट पहुंचे और वहां जाकर उप जिलाधिकारी महोदया निर्मला विष्ट जी को अपना ज्ञापन सौंपा। जैसे कि अभी ननकाना साहब में पाकिस्तान में जो भी घटना हुई थी उसको लेकर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और ज्ञापन देते हुए इनके माध्यम से ये मांग की गई है कि अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की प्रोसेस में कुछ कार्रवाई की है, तो उसको लेकर ज्ञापन दिया गया, उसको हम आगे पहुँचाए। मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे में पड़ाव किया गया है ये बहुत गलत हुआ है और बहुत निंदनीय है। इसके लिए हमारे उत्तराखंड के सारे शिव सैनिक आज जो है ज्ञापन देने के लिए निकले हुए हैं और रोड रोड घूम के सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। ये कार्यक्रम जब तक नहीं रुकेगा जब तक वहाँ भारत सरकार जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलती है तब तक शिव सैनिक शांति में बैठेंगे और शिव सैनिक हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।